और इस बीच बड़ी जानकारी, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में ईडी की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी अपडेट, ईडी ने गुरुग्राम में अटैच की M3M की जमीन, 300 करोड़ की 88.29 एकड़ जमीन अटैच की गई है। M3M के प्रमोटर बसंत रूप कुमार बंसल ने जमीन ली थी, कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए गलत तरीके से जमीन ली गई थी। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है? हम चाहेंगे आप एक बार विस्तार से ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, ईडी के द्वारा जो है, अगर बात करें, तकरीबन 88.29 एकड़ जमीन जो है ये अटैच की गई है, जो कि M3M के प्रमोटर जो है बसंत बंसल और रूप बंसल की है। और आरोप ये था कि M3M की ये जो जमीन है, जो 300 करोड़ रुपए की है, और के प्रमोटर रूप बंसल बसंत बंसल ने सरकार समय तत्काल मुख्यमंत्री कमर्शियल कॉलोनी बनाने के लिए जमीन दी थी, और फिर इस जमीन को अपने कंपनी को 700 करोड़ हालांकि ग्रुप ने जो को कहीं मुड़ा पर मामला है, उसी से जोड़कर देखा गया था। इस मामले पर जो है तकरीबन 300 करोड़ रुपए ये जो है फिलहाल ने प्रवर्तन निदेशालय ने जो है अटैच किया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रश्न उठा है। हालांकि इस मामले को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है दीपक, और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी यहां पर बयान दिया गया है कि ईडी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम करती है। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो ईडी ने गुरुग्राम में अटैच की M3M की जमीन, और अभी हमारे ब्यूरो चीफ दीपक इस पूरे मामले से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। M3M के प्रमोटर बसंत रूप कुमार बंसल ने ये जमीन ली थी, कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए गलत तरीके से ये जमीन ली गई थी। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी, अब देखिए इस पूरे मामले पर सीएम नायब सैनी की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें ठीक लगता है वो कार्रवाई करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ईडी में, आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जिले में आज 4 लाइनिंग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे सड़कें गति से बनी है, हर जिले को जोड़ा है, और भी कई सड़कें बन रही हैं जो हरियाणा की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जो हरियाणा के लोगों को आपस में नजदीक लाने का काम इन सड़कों के द्वारा वो किया जा रहा है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो जितनी योजनाएं वो चल रही हैं उनके बारे में भी जो फीडबैक लिया, हमने बताया कि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आगे भी ये गति तेज रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से उनकी जानकारी ली। सर एक सवाल, हरियाणा सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री हॉल के लिए भेजा है, जिसमें से 3 IPS ऑफिसर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने किसानों को रोका था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जानकारी ली है, हमने कल अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के कुछ नियम वो तय किए थे कि जो हमारे अग्निवीर हैं जो हरियाणा के अंदर जब वो आएंगे तो उनको हमने 10% का आरक्षण देने का हॉरिजेंटली वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कॉरपोरेशन में उनको रजिस्ट करने का काम भी ए बी ग्रुप के अंदर भी 5% और उनकी आयु के अंदर भी, अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमने निर्णय किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये बहुत एक प्रिय विषय है और इसके तहत हमारे जो अग्निवीर हैं उनको बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। जो हमारे अग्निवीर आएंगे उनको भी हमने, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अग्निवीर वहाँ पर सर्विस करता है और उसको
30,000 रुपया वो देते हैं, तो उस इंडस्ट्री को भी हमने 60,000 रुपया उसको अलग से डिबेट देने का, उसको अलग से उसका काम किया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे अग्निवीर हैं और अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको 5,00,000 रुपये तक का जो लोन, उसको सॉफ्ट लोन मिलेगा, वो भी ब्याज मुक्त होगा। उसको भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है कि अगर कोई इंडस्ट्री का मालिक अग्निवीर को लगाएगा, 30,000 रुपये देगा, तो हम उसको 60,000 रुपये की रिबेट देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत गहनता से उसकी जानकारी ली है। मुझे अच्छा लगा है कि प्रधानमंत्री जी जो योजना है उसको जब तक वो पूर्ण रूप से नीचे तक लागू नहीं हो जाती उसकी जानकारी लेते हैं और इसका लाभ मिलता है, व्यक्ति को लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, प्रदेश और देश को लाभ मिलता है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लेकर के आते हैं जिससे कि गरीब व्यक्ति वो मजबूत हो, गरीब व्यक्ति खुशहाल हो, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी जानकारी लेना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए चली हैं उनके लिए भी उन्होंने जानकारी वो ली है कि वो ठीक तरीके से उन तक पहुँचे, उसके बारे में पूरा फीडबैक लिया है। अच्छा लगा है क्योंकि काफ़ी लंबा समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूरा बातचीत हुई। फैसला लिया है कांवड़ यात्रा से पहले जो तमाम खाद्यान्न की दुकानें रहेंगी उन पर उनको अपना नाम और नाम के साथ अपने पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, इस पर विवादित इसको बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और उत्तराखंड सरकार ने भी यही फैसला लिया है। नहीं देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं ना कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कांवड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं, कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है, तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना दुकान के आगे जहाँ उन्हें भोजन करना है, जहाँ उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ किस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सर, ईडी ने एक मामला दर्ज हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, उस पर सर जो है प्रॉपर्टी अटैच की है सर, करीब 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है M3 M2 वो जो है गुरुग्राम में अटैच की गई है। देखिए ईडी का काम है और ईडी जहाँ पर भी उनको गलत लगता है, वो अपनी स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, वो कार्रवाई करती है, वो ईडी का विषय है, ईडी जहाँ भी कार्रवाई करेगी तो वो करेंगे। सर दिग्विजय चौटाला ने एक मांग उठाई है, आपको पत्र भी लिखा है, डबवाली को नया जिला घोषित करने की मांग वो कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला साहब को मैं कहना चाहूँगा पत्र लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को स्वयं मिल लेते, और वो पत्र जो दिग्विजय चौटाला जी ने दिया है, हमारी कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी थे दिग्विजय चौटाला, उनको मालूम है, उस कमेटी के अंदर वो पत्र हम भेजेंगे। वो पैरामीटर्स जो भी, चाहे वो ब्लॉक है चाहे वो जिला है, जो भी अपने पैरामीटर्स पूरे करेगा उसको जिला भी बनाने का काम करेंगे, उसको ब्लॉक भी बनाने का काम करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है, लोकसभा गठबंधन में लड़ी है। देखिए, क्योंकि ये लोग एक झूठ का सहारा लेकर के इकट्ठा हुए थे और इनके अलग अलग सबके विजन हैं, अलग अलग इनकी धाराएं हैं, एक धारा में तो चल नहीं सकते, परंतु इन्होंने इकट्ठे होकर के कि मोदी को कैसे रोका जाए, परंतु ये नाकाम रहे मोदी को रोकने में। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस भारत के प्रधान सेवक बने हैं, लोग चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी से प्रेम करते हैं लोग, और मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। मैंने तो आज देखा, क्योंकि मैं जब मिलने के लिए गया, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के हित में चल रही हैं, एक एक योजना का डीपली उन्होंने चर्चा की है कि वहां तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये बात प्रधानमंत्री जी पूछना, जो योजना बननी ये गरीब के लिए एक उसके विकास में ये मील का पत्थर होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहा है गरीब व्यक्ति की और वो पूछ रहा है कि हमने ये योजना चलाई थी
इस योजना का नीचे तक लाभ पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, तो गरीबों को आज इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसे सेवक के रूप में जो लोगों की ही सेवा करने के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है और उसकी चिंता कर रहा है, ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने बयान दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पीएम से हमारी मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद ये पहला बयान सीएम सैनी का। उन्होंने कहा पीएम के साथ विकास कार्यों पर चर्चा हुई है, पीएम को विकास कार्यों की जानकारी हमने दी है और पीएम के साथ विकास कार्यों पर ये चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कई योजना कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि हमने अग्निवीर के आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी है। अग्निवीरों को हम 10% आरक्षण देंगे। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम से चर्चा हुई, ये कहना है सीएम नायब सैनी का। उन्होंने कहा कि हमने अग्निवीर के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवालों के जवाब देते हुए मुलाकात को लेकर भी जानकारी दी और इस पूरी मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन योजनाओं को लेकर पीएम से बातचीत हुई है, इसके बारे में भी मीडिया के सवालों के तमाम जवाब दिए हैं। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों को रोजगार के लिए 5 लाख का लोन भी देंगे। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम से चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि हमने अग्निवीर के आरक्षण को लेकर जानकारी दी है। तो आपको बता दें सीएम सैनी की आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई।